Bismillahirrahmanirrahim. Naveed and Jo. First year physics chapter number 2. Aaj ka hamara topic hai vector product. If the product of two vectors results into a vector quantity, then the product is called vector product. Agar do vector ka product hame result mein ek vector quantity de, to aise product ko हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम. दो वेक्टर्स ए और बी हैं, उनके दरमियान एंगल थीटा है, तो ऐसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा. ठीक है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी, और वो डायरेक्शन होती है एन यूनिट वेक्टर. अब एन यूनिट वेक्टर ये उसकी डायरेक्शन की डायरेक्शन के बारे में बताता है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन के अंदर दोनों वेक्टर जो ए और बी हैं वो लाई करते. तो डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन के अंदर ये लाई करते. फॉर एग्जाम्पल ये इस प्लेन के अंदर लाई करते हैं, उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी. ठीक हो गया. अब इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल लगाते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो वेक्टर लेते हैं ए और बी, और उनकी टेल्स को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, तो राइट हैंड रूल क्या है, ज्वाइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स. आपने ज्वाइन करना है दो वेक्टर्स की टेल को. तो मैंने दो वेक्टर लिए ए और बी और उनकी ज्वाइन कर दी टेल्स को. ज्वाइन दी टेल ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है राइट हैंड रूल को डिफाइन करने का कि आपने टेल्स को ज्वाइन करना है. अब उसके बाद क्या करना है, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड. अब ये जो राइट हैंड्स की फिंगर हैं इसको कर्ल करना है थ्रू स्मॉलर एंगल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर. अब अगर आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो आपने क्या करना है, दोनों की ज्वाइन कर दी टेल्स को. अब फिर क्या किया कि आपने कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड, तो राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करना है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू. अब ए क्रॉस बी है तो ए फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकेंड वेक्टर. तो कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकेंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल. अब ए और बी की तरफ जाने वाले दो एंगल हैं, एक एंगल ये, एक ए से बी, ये भी तो एंगल आता है, लेकिन आपने एंगल कौन सा लेना है, स्मॉलर एंगल. तो स्मॉलर एंगल कौन सा होगा, ये वाला. ठीक है, तो आपने क्या किया कि जॉइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स देन कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकेंड थ्रू स्मॉलर एंगल. तो ये एंगल स्मॉलर है, ए से बी की तरफ फिंगर को कर्ल किया जो इरेक्टेड थंब है. इरेक्टेड थंब का मतलब क्या हो गया कि खड़ा करना है आपने थंब को, इस तरीके से अकड़ के रखना है, अकड़ा के रखना है. तो जो इरेक्टेड थंब होगा वो आपका उसकी डायरेक्शन बताएगा उस क्रॉस प्रोडक्ट. तो आपने ए से बी की तरफ फिंगर को कर्ल किया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड. तो अब क्योंकि बोर्ड के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन नहीं बता सकते तो हम इसको इस तरीके से, तो ये उसकी डायरेक्शन. और ये हमेशा उस प्लेन के, अब ये इस प्लेन के अंदर ए और बी हैं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एन या डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स. तो ये राइट हैंड रूल. अब जरा आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ. तो अब टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है आर और एफ. तो
Torque is the cross product of the position vector and the force. इसी तरीके से angular momentum is the cross product of position and the linear momentum. तो ये उसकी दो example, और भी काफी सारी example हैं. For example, एक charge जो है, force on a charge है, वो आपके हमेशा equal होगा. It is the equal to vq v cross b. तो ये v और b की cross product की equal. अब आते हैं इसकी characteristic की तरफ. अब सबसे पहले हम देखते हैं the cross product of two vector is not commutative. commutative नहीं है, तो आप जरा चेक करते. अब दो वेक्टर्स हैं a और b, उनके क्रॉस प्रोडक्ट देखें. अब दो वेक्टर्स थे a, एक वेक्टर था b, ये आ गया. अब इसका आ गया a b sin theta n यूनिट वेक्टर. अब n यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा? आपने a से b जॉइन कर दी टेल्स को, स्मॉलर एंगल a से b की तरफ गए, ये थीटा. अब इसकी डायरेक्शन देखिए, तो a से b की तरफ तो आउटवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन हमने बना दी ये. अब इसी तरीके से b क्रॉस a, b क्रॉस a. अब इसके लिए हमारे पास a ऐसे ही था, b इसी तरीके से था. अब आपने फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, राइट हैंड रूल, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर. अब अगर इसको देखा जाए तो ए बी साइन थीटा. अब इसकी डायरेक्शन को मैं एन प्राइम से लिख देता हूँ. अब एन प्राइम किस डायरेक्शन में, वो देखते हैं. अब आपने फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर जाना है थ्रू स्मॉलर एंगल. फर्स्ट वेक्टर क्या है? बी. अब बी से ए की तरफ आना है स्मॉलर एंगल, तो अब बी से ए की तरफ आपने आना है थ्रू स्मॉलर एंगल, तो ये एंगल थी. अब इसको देखिए, आपने फिंगर कर्ल करनी है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड थ्रू स्मॉलर एंगल, तो अब ये इनवर्ट आ गया, ठीक हो गया. तो अब इसकी अगर डायरेक्शन लिखेंगे, अगर उसको ऊपर लिखा है आउटवर्ड को, तो इसको आप इनवर्ट, ये एन प्राइम आ गया. अब अगर इसको देखें एन और एन प्राइम, ये इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो अब एन इज माइनस एन प्राइम. अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो सात एंगल, सात साइन हमेशा नेगेटिव रखते हैं, ठीक है. तो नेगेटिव साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है वेक्टर्स के अंदर, ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर b क्रॉस a अगर देखा जाए, तो a b साइन थीटा, और n प्राइम को अगर मैं, अगर ये माइनस है, तो अगर माइनस सिमेट्रिक, तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस आ गया, तो n प्राइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस n. अब माइनस को बाहर निकालूं तो अंदर क्या बना, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर. अब ये क्या चीज है, ये है ए क्रॉस बी की. अब अगर देखें तो इस रिजल्ट ये बता रहा है कि बी क्रॉस ए इक्वल है माइनस ए क्रॉस बी. अब अगर तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता, तो फिर तो वो कामोटेटिव होते, लेकिन माइनस साइन इजाफी आ रहा है, इसका मतलब कामोटेटिव नहीं है. अगर हमने डायरेक्शन को उलट किया तो साथ एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया, तो ये नॉट कामोटेटिव हो गया, ठीक हो गया. अब अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे, एक है ए और एक है बी, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? तो आप देखते हैं कि a क्रॉस b, तो क्या आ गया, ए बी साइन 90, क्योंकि 90 है और n यूनिट वेक्टर, तो साइन 91 हो गया. तो ये तो इसके क्या आ गया, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ गया. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर गिव्स द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, क्योंकि साइन अगर 90 का मैक्सिमम इसका 1 होता है, तो ये मैक्सिमम आ गया, ठीक हो गया. अब इसी तरीके से इसकी अगर यूनिट वेक्टर की बात करें, तो आई और जे जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो आई क्रॉस जे, तो आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, और साइन ऑफ एंगल 90
और सात एन यूनिट। अब ये भी इसका मैग्नीट्यूड वन, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड वन, तो ये एन यूनिट वेक्टर आ गया। अब अगर एन यूनिट वेक्टर देखिए तो आई और जे, आई और जे का अगर हम बात करेंगे तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर। अब ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई, और इनके परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी, जी की, तो इसी वजह से ये आ गया के। अब इसी तरीके से जे क्रॉस के करेंगे तो वो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा, और अगर आई क्रॉस जे है तो अब अगर इसको जे क्रॉस आई करेंगे तो हमें ये बताया है कि ए क्रॉस भी अगर करेंगे तो माइनस ए क्रॉस भी होगा, तो आई क्रॉस जे है तो जे क्रॉस आई करेंगे तो वो माइनस के हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको करेंगे। अब अगर हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी जो कि पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, तो अब देखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ, अब एंगल अगर पैरेलल वेक्टर है तो एंगल हमेशा आपका पैरेलल वेक्टर है जीरो, तो साइन जीरो डिग्री और साथ एन यूनिट। अब साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो ए बी इंटू जीरो इंटू एन। अब जीरो तो ये क्या बन गया, अब मैग्नीट्यूड और साथ उसके डायरेक्शन। तो अब क्या इससे पता चला कि अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें एक नल वेक्टर मिलेगा, तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर गिव्स नल वेक्टर। अब अगर एंटी पैरेलल हैं दो वेक्टर ए और बी तो एंगल उनके दरमियान क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ऐसे केस में ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री और एन यूनिट वेक्टर। अब साइन 180 क्या आ जाता है, जीरो, तो इससे फिर आपको दोबारा से नल वेक्टर मिल गया क्योंकि जीरो है और साथ, ठीक हो गया। तो दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर गिव्स नल वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। अब अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर बात करें तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल आता है आई जे के ए एक्स ए वाई ए जी, इसी तरीके से बी एक्स बी वाई और बी जी। तो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी हमेशा इसके इक्वल होगा। अब इसका प्रूफ जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे तफसील के साथ करवाऊंगा, फिर फिलहाल के लिए आप यही याद कर। अब उसके बाद कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, तो इसको मैं देखता हूँ कि दो वेक्टर्स हैं ए और ये बी, उसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो वो कहता है कि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इससे इस ए को उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे उठाया। अब इसी तरीके से बी को भी तो उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ। तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल एक पैरेललोग्राम ही बनती है। पैरेललोग्राम किस तरीके से होती है कि एक वेक्टर ये था ए, ये वेक्टर था बी, तो अब अगर मैं ए को इधर लेके जाऊँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और अगर मैं बी को अगर इधर उठाता हूँ तो ये। तो अब अगर पैरेललोग्राम किस तरह की शेप होती है कि अगर आप रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो जो शेप मिलती है वो हमें पैरेललोग्राम। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का एरिया हम ऐसे ही कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ के तौर पर, ठीक हो गया। तो अब अगर इसका मैंने एरिया निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, ये उसकी लेंथ होगी और विड्थ, अब ये पूरी विड्थ नहीं है बल्कि उसका परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। अब ये देखें इनके दरमियान एंगल थीटा है, अब इसका हमें अगर इसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का तो हमें उसकी लेंथ इनटू विड्थ। अब विड्थ ये तो विड्थ नहीं है क्योंकि ये टेढ़ी है तो ये ज्यादा होगी, तो अब विड्थ निकालनी है तो ये परपेंडिकुलर इसका देखना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और वो हमेशा बी साइन थीटा। तो अब अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो होगी ए बी साइन थीटा,
ऐसे ही है, अब ए क्या है, ए इज दी लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम और साथ बी साइन थीटा क्या है, इट इज दी विड्थ ऑफ पैरेललोग्राम, लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो वो क्या होगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम आपको ये पता चला कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर उसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।